हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका निफ्टी के वीडियो में। निफ्टी टेक्निकल चार्ट पर यहाँ पे खतरनाक मोड में हो चुका है कि दोनों ही तरफ निफ्टी का अगर ब्रेकआउट यहाँ पे होता है बहुत ही यहाँ पे अच्छा मोमेंट यहाँ पे निफ्टी दिखा सकता है नीचे की साइड में या अप साइड में। निफ्टी जिस जगह यहाँ पे खड़ा है एक सपोर्ट के आसपास निफ्टी खड़ा है, और अगर सपोर्ट टूटता है तो नीचे गिरने की संभावना रहेगी। और नीचे और अप साइड में निफ्टी अगर ब्रेकआउट देता तो बहुत ही अच्छा मोमेंट, आपको मैंने पहले ही बता दिया एक वीडियो के अंदर कि FII ने यहाँ पे जबरदस्त यहाँ पे खरीदारी करके चल रहे हैं, उस वजह से इसमें मोमेंट अच्छा देखने को मिल सकता है। लेकिन वो साजिश भी हो सकती है, हो सकता है वो खरीदारी करके अचानक से पूरा माल बेच के निकल जाए तो वो भी देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे टेक्निकल चार्ट के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि आपको सतर्क रहना है, अगर वो खरीदारी कर रहे हैं तो अपन को टेक्निकल चार्ट के माध्यम से भी सहारा लेना है कि कहीं वो बिकवाली करके अचानक से निकल ना जाए, क्योंकि वो उन्होंने 19,000 करोड़ की बड़ी खरीदारी की है तो वो बिकवाली भी कर सकते हैं, या हो सकता है कि और खरीदारी करते चले जाए। वो देखो होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपन टेक्निकल चार्ट के माध्यम से अपन यहाँ पे चलने वाले हैं। तो वो एक पॉसिबिलिटी थी कि FII ने यहाँ पे जो खरीदारी की है तो मार्केट बाउंस पे आना चाहिए और मार्केट अच्छा खासा उछाल आना चाहिए, 17,500 का पॉसिबिलिटी अपन ने जताई है, वो एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन टेक्निकल चार्ट क्या रंग ला रहा है, देखो निफ्टी पहले शुरुआत यानी कि 2014 के पहले 6,000 नीचे फिसला था, और उसके बाद में 6,000 के नीचे से लगभग 8,000 भी गया था। फिर 2009 में आपको पता अच्छी खासी यहाँ पे 2008 में अच्छी खासी मंदी आई थी, जो निफ्टी फिर से आपको पता है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फिसला। उसके पश्चात यहाँ पे निफ्टी का अगर मोमेंट देखें 2008 के पश्चात में अच्छा खासा मोमेंट रहा है, तो देख सकते हैं निफ्टी धीरे धीरे 12,500 के ऊपर भी जाके इसने हाई बनाया है लगभग, और फिर से दोबारा से ये 7,500 का इसने लो बना दिया मात्र एक महीने डेढ़ महीने के अंदर कोरोना काल की वजह से। चलिए अब निफ्टी के दोस्तों यहाँ पे मैं जानकारी दे दूँ, पूरी जानी मैंने जानकारी आपको हिस्ट्री की जानकारी मैंने आपको दे दी है, लंबा ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा नहीं मैं। निफ्टी के यहाँ पे देखें तो ये देखो 7,500 के बाद में अच्छा खासा इसने मोमेंट दिया है, 10,000 तक का इसने लेवल टेस्ट किया है, और 10,000 का भी 3-4 दिन पहले लेवल टेस्ट किया, उसके पश्चात यहाँ पे निफ्टी में 2 दिनों से लगातार बिकवाली चल रही है। उसके पश्चात निफ्टी यहाँ पे देखो ये 9,000 के ऊपर आके टिक गया है, ना तो ये ऊपर जाने का नाम ले रहा है ना नीचे जाने का नाम ले रहा है। आपको मैं बता दूँ निफ्टी अगर दोस्तों यहाँ पे 9,000 के लेवल को ब्रेक करता है, उसके 9,000 के पहले का भी एक और आपको सपोर्ट बताऊँगा मैं, अगर 91 रुपये यानी कि 9,100 रुपये अगर निफ्टी ब्रेक करता है तो निफ्टी 9,000 के लेवल को अब ब्रेक टेस्ट करेगा। अगर 9,000 का लेवल ब्रेक करता है निफ्टी दोस्तों फिर 500 पॉइंट के लगभग नीचे गिरने के चांसेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। निफ्टी अगर 9,000 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाता है, इंट्राडे में भले ही जाके ऊपर क्लोजिंग दे दें तो उसको नहीं मानेगा, क्लोजिंग बेसिस पर अगर निफ्टी 9,000 नीचे क्लोजिंग देता है तो निफ्टी नीचे वो खिसक सकता है। ये तो गई दोस्तों नीचे की बात। लेकिन अप साइड में दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर निफ्टी 9,400 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है निफ्टी की, तो निफ्टी डेफिनेटली दोस्तों 10,000 के लेवल को ऐसे मतलब कहना कि बहुत ही फास्ट गति से रॉकेट की तरह आपको छूता हुआ नजर आ सकता है दोबारा से। 10,000 का लेवल जैसे ही ब्रेक हुआ निफ्टी 210,500 के लेवल ही बहुत ही यानी कि 1-2 दिनों की कैंडल के अंदर ही आपको लेवल दिखा सकता है, ऐसा निफ्टी का टेक्निकल चार्ट आपको यहाँ पे इशारा कर रहा है। चलिए दोस्तों निफ्टी के ये तो मैं बताए पोजिशनली टारगेट, अब मैं बताता हूँ निफ्टी के इंट्राडे टारगेट। पोजिशनल टारगेट मैंने आपको बता दिया कि 9,100 को ब्रेक करेगा तब तक निफ्टी नीचे नहीं खिसकेगा, और वो भी 9,000 सिर्फ 100 पॉइंट वाली 9,000 तक, 9,000 का बेहतरीन सपोर्ट यहाँ पे 9,000 का निकल के आ रहा है। 9,000 को ब्रेक होता है फिर 500 पॉइंट नीचे खिसकने के चांसेस हैं, और आप साइड में बता दें कि 94,000 से 9,400 अगर ब्रेक करता है तो इसमें सीधा ही 600 पॉइंट का मूवमेंट दिखाई दे रहा है, जो कि एक या दो दिनों का हो सकता है, और 10,000 के बाद भी सीधा निफ्टी फिर से 500 पॉइंट का मूवमेंट के लिए तैयार है। लेकिन इंट्राडे के लिए दोस्तों आपको मैं बता दूं, इंट्राडे का जो लेवल यहाँ पे बता रहा है निफ्टी अगर 9,233 यानी कि 9,233 ध्यान देंगे 9,233 के लेवल अगर निफ्टी नीचे ब्रेक करता है तो दोस्तों निफ्टी के नीचे खिसकने के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और लगभग आपको 9,200 उसके पश्चात 9,150 के लगभग दिखाई दे रहे हैं, उसके पश्चात 9,100 लेवल ने आपको बता दिया है। अगर निफ्टी के अप साइड में जो 252 पे का मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है अप साइड में वह लगभग 9,280 ध्यान देंगे दोस्तों 9,280 के निफ्टी लेवल ब्रेक करता है तो निफ्टी दोस्तों आपको 9,350, 9,400 तक के लेवल आपको दिखा रहा है। 9,400 के लेवल जैसे ब्रेक होगा निफ्टी में एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। यह दोस्तों निफ्टी की जो मैंने इंट्राडे के माध्यम से बता दिया है, निफ्टी की जो इंट्राडे के छोटे टारगेट हैं और पोजिशनली आपको बड़े टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। बाय बाय दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो ध्यान देंगे निफ्टी खतरनाक मोड में है, अगर नीचे जो सपोर्ट टूटता है तो खतरनाक तरीके से गिर सकता है, 500 पॉइंट भी गिर सकता है, और अपसाइड में भी अगर जो पोजिशनली अगर ब्रेकआउट देता है तो अचानक से 500-600 पॉइंट का मूवमेंट अपसाइड भी दिखा सकता है, क्योंकि एफ
दफ़ा आएगी, अगर वो चाल रहेगी किस साइड वो खरीदारी करते हैं उसी साइड मार्केट खिसक जाएगा, और किस साइड वो बिकवाली करते हैं यानी कि मार्केट में बिकवाली करके निकलते हैं तो वो मार्केट धड़ाम से टूट भी सकता है। तो दोनों कंडीशन आपको बता दिए, टेक्निकल चार्ट को अच्छे से आप इसको रीड कर लें अपनी तरफ से भी, और अगर वीडियो समझ में आए दोबारा से आप रिपीट इसको कर सकते हैं। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत। 2-20 दिन इंटरेस्ट ना दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप से, तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अभी लॉकडाउन चल रहा है, भारी डिस्काउंट चल रहा है, 50% डिस्काउंट चल रहा है, और वो भी सिर्फ एक दिन का गाइडलाइंस फॉलो करनी है, उसके पश्चात पूरे मंथ फ्री सेवा आपको दोस्तों दी जा रही है। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।